हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जिस ऐप को जानकर आपको काफ़ी खुशी होगी। इस ऐप का नाम है डेसेल अचीवर ऐप, जिसके बारे में हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इन सर को आप जानते होंगे कि सर धर्मेंद्र सर हैं, दिल्ली के जाने माने एक इंग्लिश के टीचर हैं और इन्होंने 28 सितंबर 2022 को इस ऐप को लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, ये स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिट है और इसका आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसमें कौन कौन से फीचर हैं, सारा कुछ हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इसको 5 स्टार रेटिंग कैसे देंगे और इसको डाउनलोड करें कैसे करेंगे। और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड नहीं बना पाते हैं, तो इसको कैसे हम लॉगिन करेंगे सारे डिटेल्स हम इसमें वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है डीएसएल अचीवर ऐप। अगर आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस ऐप का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे आकर के यहाँ पे टाइप करेंगे डीएसएल अचीवर ऐप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट रिजल्ट पे आपको डीएसएल अचीवर ऐप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग देना है। तो 5 स्टार रेटिंग में आपको फर्स्ट रेटिंग यहाँ पे फर्स्ट स्टार पर नहीं क्लिक करना है। 5 स्टार रेटिंग देने के लिए आपको 5 पे क्लिक करना है। यहाँ पे 5 स्टार पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब पूरा ग्रीन हो जाएगा तो समझ लो आपकी यहाँ पे 5 स्टार हो चुका है। तो यहाँ पे 5 स्टार देने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखना है ऐप के बारे में। अगर आपको ऐप कैसा लगा है, अच्छा लगा है या ख़राब लगा है, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाइस ऐप। यहाँ पे लिखने के बाद आपको कॉर्नर पे राइट साइड में कॉर्नर पे पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा। पोस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऐप का जो आपने रिव्यू दिया है, आपको ऐप कैसा लगा है, आपने जो स्टार दिया है यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हो योर रिव्यू लिखा है और यहाँ पे हमारा नाम है और यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग हमने दिया है, आज का डेट है। तो यहाँ पे इस तरह से आप किसी भी ऐप को रेटिंग दे सकते हैं कि वो कितना आपको कितना कैसा लगा, आप उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद ऐप यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको लॉगिन कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस होगा ऐप का। और यहाँ पे सबसे पहले वेलकम आ गया और यहाँ पे सर का यहाँ पे फोटो आ गया है और यहाँ पे डीएसएल अचीवर ऐप का नाम आ गया है। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने को मांग रहे हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो यहाँ पे उसको डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप पहली बार इस ऐप पर हैं उसको लॉगिन करना चाह रहे हैं तो अगर आप आईडी पासवर्ड बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करके सबसे नीचे आप देख सकते हैं। लेकिन ईजी तरीका ये है कि अगर आपका जीमेल आईडी है, आपने ईमेल बना रखा है, तो आपको गूगल पे ये जो गूगल का आइकन दिख रहा है इसी गूगल पे आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी डिडक्ट कर लेगा और आपके यहाँ पे जो भी जीमेल आईडी आपके मोबाइल से लिंक होगा, जो भी रजिस्टर्ड होगा, वो सारे मोबाइल जो जीमेल आईडी हैं आपको शो होंगे। जिस जीमेल आईडी से आप इसको लॉगिन करना चाह रहे हैं उस जीमेल आईडी पे आप क्लिक करेंगे, तो हम बीच वाले से क्लिक करेंगे, बीच वाले से लॉगिन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर उस जीमेल आईडी पे क्लिक करते हैं जिससे हमें लॉगिन करना है। तो हमने उसको लॉगिन करने के बाद ही अपने आप ही जो है ऐप में लॉगिन हो जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से जब लॉगिन हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब इसके बारे में हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे माई कोर्स और यहाँ पे माई डाउनलोड, अगर आपने कोई भी कोर्स यहाँ पे लिया है तो आपको माई कोर्स में मिल जाएगा। अगर आपने उस जो कोर्स आपने लिया है उस कोर्स में जो भी पीडीएफ बुक मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, यहाँ पे माई डाउनलोड पे मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहीं पे आपको आएगा और यहाँ पे इस तरह से शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है तो यहाँ पे लाइव इंग्लिश फाउंडेशन को क्लासेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप फाउंडेशन क्लास लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ले सकते हैं और यहाँ पे लाइव इंग्लिश स्पोकन क्लास है, यहाँ पे आप स्पोकन की क्लास ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइव स्किल कोर्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो लाइव मैनेजमेंट बैच और यहाँ पे ये आपको यहाँ पे सिखाएंगे जिसका फीस काफ़ी ही कम है और यहाँ पे 199 रुपीस में आपको 6 मंथ का कोर्स मिल रहा है लाइफ मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे आपको ये ले लेना है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। कंप्लीट बैच पे क्लिक करके आप कोई भी बैच जो कंप्लीट बैच है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद बुक पे क्लिक करके आप बुक मंगा सकते हो, यहाँ पे फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। तो फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ में
आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और वीडियो में क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके आप अपना सीरीज यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और यहाँ पे क्विज भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको लर्निंग एक्टिविटीज पे मिल जाएगा। लर्निंग एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अरेंज सेंटेंस जंबल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे बिगनर इंटरमीडिएट एडवांस है, इसको आप देख सकते हो। उसके बाद लिस्टन एंड रिस्पोंड है, यहाँ पे आप म्यूजिक सुन सकते हो, उसको रिस्पोंड कर देख सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पीक विद रोबो है, और यहाँ पे मैच वर्ड्स हैं, रीड एंड रिस्पोंड है, और यहाँ पे रीड टू मीटर है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिगनर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको रीड करेंगे और आपका स्पीड ये बता देगा कि कितने स्पीड से आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो। और हम बैक आते हैं तो यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी हम देख लिए हैं। अब यहाँ पे डेली लर्निंग पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे वन वर्ड, यहाँ पे सेंटेंस, साइनोनिम्स, ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टडी मैनेजर मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि डेली का गोल आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना गोल सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे योर असिस्टेंट, आपका टास्क कितना पूरा है और कितना आने वाला है। और यहाँ पे ट्रैकिंग चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप एड प्लान पे क्लिक करेंगे और अपना डेट वगैरह सारा कुछ डाल करके अपना प्लान यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आप इस ऐप से क्या कर सकते हैं, स्टिक नोट पे क्लिक करके आप स्टिक नोट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल डालेंगे, और यहाँ पे नोट अपना जो भी नोट के बारे में लिखना हो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फोकस। तो फोकस में आप क्या पाएंगे कि फोकस में स्टडी फोकस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, टाइमिंग सेट करेंगे, और इस तरह से आप स्टडी फोकस कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, ब्रीथ एंड मेडिटेट, यहाँ से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे इनहेल और एक्जेल मोड है तो आपको इस पर क्लिक करना है। कितनी टाइम आप करना चाह रहे हैं, यहाँ से टाइमिंग सेट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक आएगा, जो भी म्यूजिक आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से है, और यहाँ पे हम इसको होल्ड करते हैं, ओके, तो बैक करते हैं हम इसको। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ऊपर के सारे ऑप्शन बता दिए हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले होम है, तो होम टैब पर हम हैं ही, और उसके बाद एयर है, उसके बाद फोकस है, फिर ट्रांसलेट है, फिर डिक्शनरी है। फोकस के बारे में भी हमने आपको बता दिया। एयर के बारे में बताते हैं, तो एयर पे क्लिक करेंगे। एयर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप जिस न्यूज़ को देखना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश रहेगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आज का न्यूज़ जो है, करंट न्यूज़ देखिए, मॉर्निंग न्यूज़ है 17 अक्टूबर। यहाँ पे आपको इंग्लिश में आइडियो दिया गया है, आप यहाँ से इंग्लिश सुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं। All India Radio presents Morning News. The Private Limited Director Amit Arora and India Ahead News तो देख सकते हैं, अगर आपको जैसे इंग्लिश सीखने के लिए सुनना भी होता है, जैसे आप मूवी देख सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, तो उस तरह से उस चीज़ को इसी ऐप में डाल दिया गया है, और यहाँ से आप इंग्लिश में न्यूज़ सुन सकते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इंग्लिश में कुछ रीड करना चाह रहे हैं, जैसे कि आज का ये न्यूज़ है, और यहाँ पे इसको आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। तो देख सकते हो इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने ये ऑप्शन बता दिया, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं, ट्रांसलेट पे आएंगे। ट्रांसलेट में अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करना है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे हिंदी है, सेकंड पे इंग्लिश है, तो यहाँ पे हिंदी आप टाइप करेंगे तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा नीचे। और अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे, ये हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। इस वाले आइकन पे क्लिक करना है जो एरो का निशान बना है, यहाँ से आप क्लिक करके हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं और इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिक्शनरी आता है, डिक्शनरी पे आएंगे तो यहाँ पे सर्च हियर फॉर द मीनिंग लिखा है। यहाँ पे आपको कोई भी मीनिंग, अगर आपका इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं पता है, हिंदी नहीं पता है उसका, तो उस वर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे, सर्च करेंगे तो उस वर्ड का मीनिंग और उसका कैटेगरी, नाउन, यानी कि सारा डिटेल्स में आपको उस वर्ड के बारे में बता देगा।
तो यहाँ से आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। तो आई होप हमने सारा जो भी इसमें ऑप्शन है, इस ऐप में ऑप्शन है, सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह इसके आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।